Hello everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the first video, the first lesson. जहाँ पर error detection के कुछ questions हम practice करने वाले हैं. थोड़ा सा आपका भी साथ लगेगा मुझे यहाँ पर कि आप जो instruction मैं आपको देती हूँ उसको follow करते हुए ये lesson को आगे देखते रहें. Now let me just quickly talk about this topic. First of all, bank exam, SSC हो, इसमें बहुत importance रखता है. ये एक ऐसा topic है, इसके questions, grammar rules अगर आपको आते हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हो. So it depends upon that. Plus, अगर आपने reading अच्छे से करी हो, तो आपको कई बार contextual चीजें समझनी होती हैं, या फिर direct use किसी idiom का phrase का होता है. So here all these things are very important. So, ये तो हमें क्या चाहिए होता है? One thing about the topic is कि पहले के error detection question और आजकल जो हमें देखने मिलते हैं, उसमें थोड़ा difference हो गया. Of course, level बड़ा है, difficulty level बड़ा है. But then पहले आपको मिलते थे जहाँ पर एक sentence को divide कर दिया जाता था four parts में. Okay, और इसमें से किसी एक part में error होता है या फिर दो में होता है, तो वो आपको accordingly सारे options दिए जाते हैं. But now we need to understand the new pattern. और हम कभी भी जब exam देने जाते हैं, make sure people कि आप instruction पढ़ें. कई बार होता है हम question देखते हैं, हमको लगता है ओ हमें तो पता है कि इसमें क्या करना है, क्योंकि हमने practice उस हिसाब से करी है. But no, अगर कुछ भी pattern change है कि answer कैसे देना है, वो आपको instruction के through ही मिलेगा. So right now आपके सामने instruction है और मैं चाहती हूँ कि हम इसे साथ में पढ़ें. ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ तो आप सिर्फ सुने, you also read along with me. क्या करना है हमें आज के इस lesson में? So you see, you need to read each sentence to find out whether there is any grammatical mistake or error in it. हमें सबको पढ़ना है और देखना है, check करना है, of course, एक grammar से related mistake के लिए. But you have to choose the sentence or the option which is correct. ये important है. आपको जो options दिए जा रहे हैं, आपको उसमें से सही वाले का चुनाव करना है, जिसमें कोई error नहीं है. Mark my words. If all sentences are incorrect, ऐसा भी हो सकता है सभी incorrect हैं, एक भी सही नहीं है, then you can choose option number 5 as your answer, जो कि last option है कि सभी incorrect हैं. Okay? So that is what you have to do. Now एक-एक करके आपके सामने question आएंगे and I'm going to give you some time. बेहतर होगा कि आप अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड पर रखो ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करने मिले. एंड व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन फिगर आउट द आंसर, और नेक्स्ट वाली स्लाइड में फिर आपको आंसर मिलेगा. आई विल टेल यू कि कैसे हमने डिटेक्ट करा कि इसमें एरर नहीं है. सो लेट्स बिगिन. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. टेक योर टाइम. I'm gonna be quiet. आप पढ़ें क्वेश्चन को एंड आंसर करें. आपको लगभग 15 सेकेंड दिए जाएंगे. आई नो इट्स नॉट रियली गुड टाइम फॉर बिगिनर्स, या फिर हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन के लिए इनफ नहीं हो, बट प्लीज गाइज जस्ट ट्राई इट आउट. ओके, दैट्स द बेस्ट वे वी कैन डू. स्लोली जब हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी तो आई थिंक उसमें और बेटर हम कर पाएंगे. सो देयर वी गो. द क्वेश्चन इज हैविंग लाइक फोर ऑप्शन. वो सभी एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामर में एरर है. थ्री में है या फिर हो सकता है सभी में हो. सो लेट्स सी. हियर वी गेट द आंसर. डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है. सो आई हैव मार्क्ड इट ओवर हियर. यू कैन सी पहला वाला जो ऑप्शन है, देयर इज अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स दैट सीम्स टू हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स एंड पॉलिसी प्लानर्स क्रॉस द वर्ल्ड. क्रॉस यहाँ पर गलत प्रिपोजिशन यूज करा गया है. देखो, क्रॉस का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज को क्रॉस कर रहे हैं हम, या फिर इन द सेंस ऑफ अ नाउन. यहाँ पर हमें एक प्रिपोजिशन चाहिए, अक्रॉस होना चाहिए था, जो हमें डी ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है. यू कैन सी ओवर हियर अक्रॉस द वर्ल्ड. दैट मीन्स आप पूरे वर्ल्ड को कैलकुलेट कर रहे हो, एक छोर से दूसरे छोर तक. देन इन बी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट. लेकिन आप यहाँ पे देखोगे द अटेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स एंड पॉलिसी प्लानर क्रॉस द वर्ल्ड. एक क्रॉस, ये तो मिस्टेक है ही.
प्लानर वर्ड भी गलत है यहाँ पे. जब आप एंड से कनेक्ट कर रहे हो एंड यू सी द होल सिनेरियो, सो कोई एक ही पॉलिसी प्लानर तो होगा नहीं, यू गेट द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट, आपको उसका प्लूरल मिलता है. सो प्लानर्स होना चाहिए था यहाँ पे, एंड दैट्स द अदर मिस्टेक यू गेट टू सी. देन सी रिमेनिंग थिंग्स आर राइट, बट दिस वर्ब जो सीम का यूज हुआ है, देयर इज अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, देयर इज अ रेवोल्यूशन, मार्क हियर, अ रेवोल्यूशन. मिलिट्री अफेयर्स के लिए सीम नहीं लग रहा है, इस रेवोल्यूशन के लिए लग रहा है. सो क्योंकि ये वाला पार्ट जो है अ रेवोल्यूशन, दिस इज सिंगुलर. अकॉर्डिंग टू द रूल, आप जब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए आपको सीम्स यहाँ पर होना चाहिए था. दैट इज आपके वर्ड में एस लग जाता है जब एफर्मेटिव सेंटेंस होता है. सो यू शुड बी नोइंग ग्रामर रूल्स इन एंड आउट जब आपको एरर डिटेक्शन में मास्टर बनना है. हियर यू सी सीम गलत है जो कि प्लूरल के अकॉर्डिंग लगा है, विच इज रॉन्ग. सो दैट्स द मिस्टेक हियर. एंड हियर एवरीथिंग इज राइट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन से जुड़ी थिंग्स, एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर एंड दैट्स आवर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. There we go. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे सभी चीजें करेक्ट वे में यूज करी गई हैं. नाउ फर्स्ट वन, चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ की एक्टर इन द फील्ड ऑफ इमर्ज्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज. नाउ वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों ही हम यूज करते हैं एज एडजेक्टिव. ओके, सो देयर इज अ होल रूल अबाउट इट. यहाँ पर ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज अभी भी उभर कर आ रही हैं, ना कि आ चुकी थी. सो दैट इज वाई वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज नहीं कर सकते. दैट्स द एरर. नेक्स्ट थिंग वी सी, चाइना हैज इमर्ज्ड एज द की एक्टर. द एक ऐसा आर्टिकल है जो कि डेफिनेट होता है. जब आप किसी के नाउन के पहले आप इसे यूज करते हैं, दैट मीन्स स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली आप उसकी बात कर रहे हो. यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं चाइना हैज इमर्ज्ड एज द की एक्टर, दैट मीन्स इसके अलावा और कोई है ही नहीं मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में, विच इज रॉन्ग. सो कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाता है, द विल नॉट कम हियर. Then you see China has emerged as a key actor, बराबर है यहाँ पे, in the field of भी सही है, emerging military technologies. कैसी military technologies emerge होती हुई. Then here you see D1, China has been emerged. तो यहाँ तो passive voice का use कर लिया गया है, been का जब use होता है इस प्रकार से, और ये arrangement होता है that has, have, had का use है, फिर been है, फिर verb का third form है. So here यू आर टॉकिंग अबाउट कि इमर्जिंग का काम चाइना पर करा गया है, जबकि हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इमर्ज होने का जो एक्शन है वो चाइना खुद से कर रहा है. सो दैट इज वाई वी कैन नॉट पुट इट इन पैसिव वॉइस, एक्टिव में ही रहेगा सेंटेंस, एंड सी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, एरर फ्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से जाते हैं. देयर यू गो, टेक योर टाइम, कुछ सेकेंड्स में आपको देने वाली हूँ. So the answer here is option number C. यहाँ पर जो पूरे errors वाले sentence है सभी में एक point पर error आ रहा है, that is कि क्या preposition use करा गया है, on, down, up and in. So you should know इस प्रकार का error पहचानने के लिए कि error है या नहीं, आपको idioms और phrases का knowledge होना चाहिए. जब कहा जाता है up the game, या फिर देयर की जगह योर गेम, हिज गेम, जो भी आप बोल रहे हो, एनी पोजेसिव प्रोनाउन यू आर यूजिंग, अप देयर गेम का अर्थ होता है कि और बेहतर बनाना.
क्लियरली रेगुलेटर्स नीड टू अप देयर गेम. मीन्स यहाँ पर एक्चुअल गेम की बात नहीं कर रही, उनके परफॉर्मेंस को बेटर करने की बात करी जा रही है. एंड दैट्स व्हाई अप वर्ड का यूज करा जाना जरूरी है. यू जस्ट कैन नॉट चेंज. अगर कोई ईडियम और फ्रेज है, जैसा यूज होता है बेस फॉर्म में वैसा ही यूज होता है. अपने मन से, समझ से कोई दूसरा प्रपोजिशन नहीं लगा सकते. सो ऑन देयर गेम, डाउन देयर गेम, ऐसा कोई ईडियम नहीं है, फ्रेज नहीं है. इन देयर गेम, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. So only right thing which is used over here is in C, up their game, अपना performance better करना. So ये regulators को requirement है. Next one, there you go. Go through the question. कुछ seconds में आपको दे रही हूँ, solve it out. Okay, so the right answer here is option number A. So यहाँ पर again verbal part के errors देखने हमें मिल रहे हैं. So it's very simple over here. First of all, कि आप बोल रहे हो the size of government borrowing is larger than what the market anticipated. So anticipate जितना किया था उससे ज़्यादा borrowing है is larger. Okay, ये जो कि सभी में same है, सभी ऑप्शंस में. सो दैट इज डन, कि इसमें तो कुछ एरर नहीं है बिकॉज इट्स ऑटोमेटिकली सेम. बट व्हेन यू गो थ्रू द लास्ट पार्ट एंड दिस हैज रेज्ड जी सेक रेट्स नाउ. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट्स की बात यहाँ पर करी जा रही है. दिस इस चीज के लिए जो पहले मेंशन करा है, और क्योंकि ये प्रेजेंट में है यहाँ पर भी प्रेजेंट रखना होगा हमें. इट इज प्रेजेंट परफेक्ट जो यूज करा गया है. हैड रेस पास्ट परफेक्ट बना देगा. आप इज लार्जर बोल रहे हो सो यू कैन नॉट पुट दिस इन पास्ट परफेक्ट और एनी पास्ट इनफैक्ट. तो ये हैड गलत है. दिस हैव रेस्ड, दिस जो हम यूज कर रहे हैं पूरे स्टेटमेंट के लिए, जो पहला पॉइंट है एंड के पहले वाला, उसके लिए यूज कर रहे हैं. लेकिन है तो दिस जो कि सिंगुलर जैसा कंसीडर करा जाता है, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो दिस के बाद में हैव नहीं, हैज लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. अगेन दिस डी वन, फोर्थ ऑप्शन, दिस हैज बीन रेज्ड जीसेक रेट्स. देखो अगेन द सेम थिंग, हैज बीन रेज्ड, इट्स द वर्बल फॉर्म जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं जब किसी के द्वारा कुछ हुआ है. लेकिन यहाँ पर ये जो चीज हो रही है, इसने यही चीज ने रेज कर दिए हैं जीसेक रेट्स को. सो डूअर जो है वो हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर मिल रहा है. दैट्स वाई वी डोंट नीड पैसिव वॉइस. ए इज योर राइट आंसर. And there you go, one more question for you. थोड़ा समय आपको मिलेगा, जल्दी से सॉल्व करिए. Okay. So the right answer here is option number D. देखो first में the suddenly doubling of fuel prices. Suddenly कोई काम होता है. हम यहाँ doubling of fuel prices कैसे हुए, like we want to talk about this. And ये कोई काम नहीं हो रहा है कि adverb चाहिए हो. So sudden is the right word. The sudden doubling of fuel prices. किस प्रकार से doubling हुआ ये, या दुगनी हुई ये fuel prices? Sudden. So that is the word you should be using. That's first thing to notice over here. अगर एकदम से कुछ हुआ, like for example, I would say suddenly they doubled the fuel price. वो अलग केस होता कि double वाला काम कैसे करा गया. लेकिन यहाँ पे this thing is already done. और कैसे हुई वो, that was a sudden thing that happened. So sudden is the right form, जो कि A में हमें नहीं मिल रहा है. B में you have this error. देखो again, the sudden doubling of fuel prices have amplified. Prices के according यहाँ पर हमें verb नहीं लगाना है. What is happening? Sudden doubling बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. डबल हो रहा है चीजें, दैट इज दुगनी हो रही हैं चीजें. लेकिन ये आइडिया तो एक ही है. देयर इज जस्ट वन थिंग हैपनिंग. आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट मिल रहा है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, लेकिन है तो एक ही चीज. देयर इज दिस एक्टिविटी गोइंग ऑन.
फ्यूल प्राइस का डबल होना, दैट इज वन एक्टिविटी. दैट्स वाई हैव तो यहाँ लग नहीं सकता, आपको यहाँ पर हैज का यूज करना है, बिकॉज योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा अगर हैव का यूज करोगे. ट्रीट योर सब्जेक्ट एज अ सिंगल आइडिया, दैट्स वाई सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगना है. एंड देन यू गो अहेड. सी में आपको एरर मिलता है लेटर पार्ट में, क्रॉनिक शॉर्टेज. ओके, सो लेट्स गो थ्रू द होल सेंटेंस. द सडन डबलिंग ऑफ फ्यूल प्राइसेस has amplified Zimbabwe's chronic shortage for US dollars. किसी चीज का शॉर्टेज होता है, किसी चीज के लिए नहीं होता है. फॉर इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किसी के लिए है, लाइक दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टेज जो किसी चीज का है, यूएस डॉलर्स का. सो ऑफ एक सही प्रिपोजिशन है जो यहाँ यूज होना चाहिए, तो यहाँ प्रिपोजिशन रिलेटेड मिस्टेक है. दैट्स वाई डी यू गेट इज द राइट आंसर. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे. आई होप आपने एंजॉय करा हो वीडियो, आपने सीखा हो इस वीडियो से. प्लीज गाइज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. यू कैन फॉलो मी हियर ऑल्सो. ये मेरे बाकी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, और जहाँ पर मेरी प्रोफाइल है अन अकेडमी पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेंगी. आई विल सी यू सून विद मोर लेसन्स, मोर वीडियोज. टिल देन टेक केयर.